हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्ल्ड क्लीन डे के मौके पर विश्व के 150 देशों के एनजीओ, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिकों की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में शनिवार को जोधपुर वासियों ने भी श्रमदान की आहुति दी। करीब 5 से अधिक कार्यकर्ताओं, 7 स्वयंसेवी संस्थाएं तथा सेंट्रल एकेडमी के सैकड़ों विद्यार्थी न केवल इस मुहिम का हिस्सा बने बल्कि उन्होंने जीवन में स्वच्छता अपनाने का संकल्प भी लिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट एंड कॉमर्शियल साइंसेज एवं लेट्स डू इट इंडिया की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को नई सड़क से जालोरी गेट तक स्वच्छता अभियान चलाया और हर गली का कचरा एकत्रित किया। नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण के ट्रैक्टर, अन्य संसाधन और कर्मचारियों ने सहयोग देकर पूरी रोड को एकदम साफ कर दिया। आईसेक जोधपुर के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट कौस्तुम्भ गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर उप महापौर देवेंद्र सालेचा, नरेश सुराड़ा, आईसेक के प्रेसिडेंट अमन सोनी के अलावा जोधपुर कैंसर क्लिनिक डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित, अखिल भारतीय जैन स्वेत तांबर तेरापंथ महासभा के ट्रस्टी दिलीप सिंघवी, नेक्सस की श्रीमती कुमुद गौड़, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की मेघना राजपुरोहित, जीवराज सिंह देवड़ा, इंजीनियर डे पर आर्किटेक्ट दीपक थानवी, रॉबिनहुड आर्मी के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य अभियान का हिस्सा बने। कुमुद गौड़ ने बताया कि वैदिक वाइब्रेशन की वृतिका ने अभियान को अनुकरणीय पहल बताते हुए प्रत्येक शहर वासियों को स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया, साथ ही डस्टबिन, झाड़ू, बैग्स उपलब्ध कराते हुए आयोजन में सहयोग दिया। इसके अलावा जेसीआई जोधपुर मेट्रो, जेसीआई जोधपुर प्रिविलेज, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर ब्लू सिटी, ट्रिनिटी वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।